दोस्तों सामने काफी बेहतरीन नज़ारे आ रहे हैं शाम के समय में। देखिए वहाँ पेड़ों में बर्फ अटकी हुई है, जो दिन भर बर्फबारी हुई। ये काफी ऊंचाई वाला क्षेत्र है, थकुड़ बाबा टॉप, एडीथान टेम्पल, और इसके पीछे जस्ट गागर और रामगढ़ वाला एरिया है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत स्नोफॉल हुआ है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसी है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अभी घर ही में हूँ और सेक रहा हूँ यहाँ पे अंगीठी, माँ आग सेक रहे हैं। और बाहर हो रहा है काफी ठंडा, बारिश का माहौल बना हुआ है, बर्फ का माहौल बना हुआ है। तो यहाँ पे मस्त आग जली हुई है अंगीठी पे। तो किचन में ही हूँ अभी, और सामने हरीश भाई तैयार कर रहा है चाय। तो चाय वाय पीते हैं, अपना दिन स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग हैं घर ही पे, और आज काम आज भी नहीं हो पाएगा साइटों पे, क्योंकि कल मैंने आपको दिखाया कि अभी भी वहाँ पर गीलाई है, जो पिछली बर्फबारी हुई थी, कीचड़ काफी ज्यादा मात्रा में है। काम करने लायक वैसे भी नहीं हो रहा है, और फिर से बाहर मौसम खराब हो चुका है। मैं अभी आपको बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ, बाहर चल के किस प्रकार मौसम हुआ है। यहाँ पे सुबह से ही ठंडा हो रहा है, बढ़िया लगता है कि दोबारा स्नोफॉल हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी बता रखा है कि 9-10 को स्नोफॉल हो सकती है। तो चलते हैं अभी बाहर, चाय पीते हैं पहले, फिर चलेंगे बाहर और नज़ारे दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ बाहर और चाय पी रहे हैं। मेरे पीछे अमित भाई और आग सेक रहा हूँ, वहाँ पर आग जलाई हुई है, साथ में हरीश भाई भी है। मैं नज़ारे दिखाता हूँ एक बार सुबह के टाइम में। और बारिश शुरू हो चुकी है सुबह से ही, और सामने हमारे रोज ही हम हिमालय देखने को मिल रहा है। मैं अभी आपको व्यू दिखाता हूँ सुबह के टाइम में। दोस्तों व्यू देखिए, अभी मॉर्निंग के समय में बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और सामने पहले ही बर्फ़ नहीं पिघली है। अगर वहाँ फिर बर्फ़ गिर गई तो वहाँ के लोगों के लिए और दिक्कतें आ जाएंगी। यहाँ देखिए खेतों में पहले से ही इतनी नमी है, और वैसे भी टाइम तो है ही स्नोफॉल का, स्नो हो भी सकती है, दोबारा गिर भी सकती है। तो खेतों के लिए तो बढ़िया ही है, और गिर जाएगी तो ठीक ही है। और सामने जो देखिए, हमें डेली घर से उठते हैं तो सामने का व्यू नज़ारा देखने को मिलता है, और ऐसा लग रहा है आजकल जैसे हम डेली हिमालय ही देख रहे हैं घर के आगे से। तो काफ़ी मस्त क्लीन व्यू है। तो चाय वाय पीते हैं। तो दोस्तों सीन अभी ऐसा है, अभी बज रहे हैं दोपहर के 1, मैंने तो लंच कर लिया और मैं बैठा हूँ अभी अंदर। बाहर ठंडा ही हो रहा है, बारिश लगातार जारी है, सुबह से हल्की बारिश है लेकिन ठंडा हो रहा है, क्योंकि बीच में भी बर्फ गिरी थी तो इसलिए ठंडा हो। मैंने तो लंच कर लिया, यहाँ पे बच्चा लोग खा रहे हैं, मनु खा रही है, पुष्कर है वहाँ पे, वहाँ पे कन्नू है, और आज लंच में बना है खिचड़ी और दही। तो मस्त सभी लोग खा रहे हैं, बाहर मौसम भी ठंडा ही है। जल्दी खा, क्या देख रही है, सभी लोग खा रहे हैं यहाँ पे। डॉग भी आज अंदर ही है, डॉगी को भी बाहर नहीं रख सकते आज, बाहर ठंडा हो रहा है। अगर बाहर होता तो बाहर के नज़ारे देखता ही है, लेकिन आप क्या करें, बारिश हो रही है तो अंदर ही है। तो ये कुछ नज़ारे हैं अभी दोपहर के समय में बाहर के। देखिए हल्की हल्की बर्फ़ शुरू हो चुकी है, अगर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है तो आप कमेंट में बताइएगा। बढ़िया हल्की बर्फ़ दिखाई दे रही है, और सामने पूरा पैक हो चुका है देखिए कोहरे से। वहाँ पहले से ही उतनी बर्फ़ है, अगर आज फिर और गिर गई तो वहाँ और ज़्यादा हो जाएगी बर्फ़, तो वहाँ थोड़ी मुश्किल होगी। अभी सुबह से बारिश लगातार चल रही है, अगर बारिश ना बंद हुई, अगर बर्फ़ आ गई तो फिर से स्नोफॉल देखने को मिल जाएगा। तो ये है नज़ारे दोस्तों। लंच तो कर लिया है मैंने भी, तो आप सोते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर उठेंगे 3-4 बजे, फिर आपको आगे बात करूँगा आपसे। तो दोस्तों सीन अभी ऐसा है, शाम के 6 बजने वाले हैं और बारिश यहाँ पर रुकी हुई है पहाड़ों में। मस्त दिन भर बारिश होगी और हम भी घर ही पर रहेंगे। मैं भी जस्ट अभी सो के उठ रहा हूँ, क्योंकि काम तो कुछ हो नहीं सकते। बाकी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, खासकर थकुड़ बाबा टॉप पे, अच्छी खासी बर्फ़ गिरी है अभी। पेड़ों में काफ़ी शानदार व्यू आ रहा है, मैं एक बार आपको शाम के नज़ारे दिखा रहा हूँ, बेहतरीन नज़ारे बन रहे हैं अभी शाम के समय में। तो चलिए पहले नज़ारे देखते हैं शाम के। दोस्तों सामने काफ़ी बेहतरीन नज़ारे आ रहे हैं शाम के समय में। देखिए वहाँ पेड़ों में बर्फ़ अटकी हुई है, जो दिन भर बर्फ़बारी हुई। ये काफ़ी ऊंचाई वाला क्षेत्र है, थकुड़ बाबा टॉप, एडीथान टेम्पल, और इसके पीछे जस्ट गागर और रामगढ़ वाला एरिया है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत स्नोफॉल हुआ है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊँगा। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बराबर स्नोफॉल हुआ है, और पेड़ों में यहाँ पर भरपूर अटक चुका है फिर से। तो लगा लीजिए यहाँ पर थोड़ा बहुत स्नोफॉल हुआ, और शायद क्या पता धानाचुली के ऊपरी साइडों में भी बर्फ़बारी देखने को मिली, और यहाँ तो अभी बहुत टाइम लगता है बर्फ़ पिघलने में।
तो दोस्तों ये है शाम का समय, अभी शाम हो चली है पहाड़ों पे और दिन भर मौसम ऐसा ही रहा। अभी तो बारिश रुकी हुई है, अब देखते हैं रात को। अगर मौसम अभी तो खुला लग रहा है, कह नहीं सकते, पहाड़ों का मौसम है, कब क्या हो पता नहीं चलता। और थोड़ी बहुत बर्फ़बारी हुई है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ख़ासतौर पर थकुड़ बाबा वाली एरिया पे। तो दोस्तों फाइनली पहाड़ों पे हो चुकी है रात, हम लोग भी बाहर से बैठे हैं और आग सेक रहे हैं क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है आज। तो ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।